महागठबंधन की बैठक के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बयानबाजी से बचना है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है, यही फैसला हुआ है। सभी लोगों को बोले हैं कि बयानबाजी से बचना चाहिए। हमारा तेजस्वी यादव ने सभी लोगों को कहा है कि बयानबाजी से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों गार्जियन हैं ब्लैक को लेकर। उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो ललन सिंह, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव देंगे। यह बिल्कुल अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत गलत बातें फैलाई जा रही हैं। सुनील जी हमारे अच्छे मित्र हैं, कभी कभी आवेश में आकर कभी कभी कुछ बोल दिए हैं। आपसी प्रेम है, कभी कभी आपस में लोग कुछ बोल देते हैं। महागठबंधन जिंदाबाद, यह राजनीतिक गठबंधन है, कभी कभी कुछ बोला जाता है। सुनील सिंह से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, उन्होंने खुद बोला है कि वह हमारे बड़े भाई हैं, लड़ाई है ही नहीं तो सुलह की बात कहाँ है। बना के रखना है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है, बयानबाजी से बचना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है, यही सब। नहीं, सीएम गार्जियन है, सीएम हमको भी बोले हैं, सबको बोले हैं, तो बोले हैं कि भाई आप बयानबाजी से सबको बचना चाहिए, यही निर्देश दिए हैं कि बयानबाजी नहीं करिए सब लोग। तेजस्वी जी भी यही बोले, बयानबाजी से बचना चाहिए। मतलब गार्जियन की भूमिका में गार्जियन की भूमिका में दोनों नेता गार्जियन की भूमिका में थे। बात यह है कि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है बिहार में, आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही आपस में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। जेडीयू आरजेडी के बीच में मिला की बात हो रही है, क्या इस तरह की बातें हैं क्या? इसका जवाब हम कैसे देंगे? इसका जवाब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, लालू प्रसाद यादव देंगे, चाहे नीतीश कुमार देंगे, तेजस्वी जी देंगे। अब विलय होगा कि नहीं होगा उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? अगर ऊपर कैसा, हम लोगों को तो जानकारी भी नहीं है विलय की, ऐसी कोई जानकारी नहीं। सब तो र्यूमर उड़ाया जा रहा है, ये सब र्यूमर उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जानती है कि बिहार में उसका बेस खत्म हो गया है। तो ये सब र्यूमर, रोज नया र्यूमर उड़ा के इससे झंझट उससे झंझट। अब आप लोग भी 24 घंटा वाला चैनल है, हमारे सब बयान लेते हैं, फिर सुनील जी से बोलते हैं अशोक जी ये बोला, फिर बोलते हैं सुनील जी ये बोला अशोक जी। आप इसीलिए सुनील जी अच्छे मित्र हैं, हर कोई कभी कभी आवेश में आकर के किसी के ऊपर, अभी पत्नी के ऊपर नहीं बोल देते हैं सुबह शाम, दिन भर काबिल बनती हो बहुत ये हो तो आवेश में बोल देते हैं ना भाई। तो कोई ऐसा थोड़ी है कि पत्नी से प्रेम कम है, तो कभी कभी आदमी आवेश में कुछ बोल देता है, लेकिन आपसी प्रेम, आपसी परिवार हम लोगों का पूरी तरह से इंटैक्ट है। महागठबंधन जिंदाबाद। मतलब जेडीयू आरजेडी का रिश्ता पति पत्नी वाला है? हम क्या कह रहे हैं, अब आप उसको घुमाने रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो रिलेशन एक पति और पत्नी का होता है उसमें भी आवेश में कुछ बोला जाता है, तो ये तो एक राजनीतिक गठबंधन है, कभी कभी कुछ बोला जाता है इसलिए। लेकिन किससे? सुनील सिंह जी तो हमारे पार्टी का, हमारे साथ बढ़िया रिलेशन है, वो खुद ही बोले हैं कि बड़े भाई हैं अशोक जी, तो सुलह का क्या है? सुलह लड़ाई कहाँ था जो सुलह हो जाए? ठीक है।